रजनी के बारे में, कक्षा 11वीं आरओ के बारे में पढ़ाया समझाया, उसका सारांश समझाया और लेखक का जीवन परिचय भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको इसके जो प्रश्न के उत्तर हैं उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ और समझा रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता है। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनाहगार मानते हैं? उत्तर, वर्तमान में संवाद में गुनाह को बर्दाश्त करने वाले को अधिक गुनाहगार मानते हैं, क्योंकि अत्याचार को सहन करने पर अत्याचारी सोचता है कि वह ठीक कर रहा है। अत्याचार करने वालों का उसमें साहस आ जाता है, अत्याचार सहने वालों में बुराई के विरुद्ध लड़ने की शक्ति नहीं होती, जिससे अत्याचारी को बल मिलता है। अत्याचार सहने करने वाला जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। इस पटकथा में लीला, उसके पति और अमित गुनाहगार हैं, क्योंकि उन्होंने अत्याचार के विरोध में आवाज नहीं उठाई, अत्याचारी को दंड देने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरा जो इसका प्रश्न है वह इस प्रकार है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर है इस प्रकार है, भारतीय समाज में स्त्री के प्रति एक कोमल, कर्तव्य परायण, त्यागी, सहनशील, शक्तिहीन होने की धारणा बनी हुई है, परंतु रजनी नारी के रूप के विपरीत सर्वप्रथम वह अन्याय को सहन नहीं करती। रजनी संघर्ष करने वाली, समाज में न्याय के लिए जागरूकता जागरूकता पैदा करने, अनुचित रूप से ट्यूशन करने वालों का विरोध करती है, स्पष्ट बोलने वाली हेड मास्टर जी से कहती है कि ट्यूशन के अपराधी अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। वह स्पष्ट वक्ता है, वह निडर है और दर्दनाती हुई निर्देशक महोदय के कार्यालय में चली जाती है। वह दूसरों के दुख दर्द को सुनती है, अध्यापकों के विरुद्ध होने वाले अन्याय के प्रति बोलती है। तीसरा जो पाठ है वह इस प्रकार है, तीसरा जो क्वेश्चन है, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है, यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो कौन कौन से निर्देश देंगे? इसका उत्तर है वह इस प्रकार है, दृश्य को फिल्माने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाएंगे। इसका पहला है, मीटिंग एक बहुत बड़े कक्ष में होगी, जिसके द्वार पर मीटिंग के विषय से संबंधित बैनर लगा होगा। दूसरा है, दरवाजे पर खड़ा चौकीदार आने वालों का स्वागत करेगा। तीसरा है, कक्ष के सामने दीवारों पर एजेंडा व विषय से संबंधित बैनर हो। चौथा है, बैनर के नीचे अध्यक्ष की मेज व कुर्सी। पांचवा है, अध्यक्ष के दोनों ओर गोलाकार में मीटिंग में भाग लेने वालों के लिए मेज व कुर्सी। छठवा है, एक और अध्यक्ष के पास प्रेस वालों की मेज कुर्सी होगी। सातवां है, प्रत्येक मेज पर पानी की बोतल व लिखित रूप में एजेंडा प्रत्येक भागीदार के लिए हो। आठवां है, माइक का उचित प्रबंध। चौथा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, इस पटकथा में
दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो पता तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? इसका उत्तर है, पटकथा के दृश्यों को स्थान के आधार पर अलग करेंगे। जो इसका पहला दृश्य है लीला व अमित के फ्लैट का कमरा, इसका जो दूसरा दृश्य है हेडमास्टर का कार्यालय, तीसरा जो दृश्य है रजनी का फ्लैट, चौथा जो दृश्य है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्यालय, पांचवा जो दृश्य है समाचार पत्र के संपादक का कक्ष, छठा जो दृश्य है मीटिंग कक्ष, सातवां जो दृश्य है रजनी के फ्लैट का कमरा। भाषा की बात, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उसे स्पष्ट करते हुए लिखिए। का, वरना तुम मुझे काट ही देती। इसका उत्तर है, काट ही देती, भूल ही जाती। स्पष्टीकरण, रजनी लीला से कहती है अगर वह स्वयं नहीं आती तो वह मिठाई खिलाना ही भूल जाती। खा, अमित जब तक तुम्हारा भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। इसका उत्तर वह इस प्रकार है, भोग नहीं लगा लेना, खिला देना, थोड़े ही नहीं। स्पष्टीकरण, जिस प्रकार घर में जब कुछ नया खाना बनता है तो भगवान का भोग लगाने से पहले कोई नहीं खाता, उसी प्रकार अमित भी घर पर बनी भोजन सामग्री को रजनी आंटी को खिला नहीं देता, तब तक वह किसी को खाने नहीं देता। गा, बस बस मैं समझ गया। इसका उत्तर है, वह इस प्रकार है, बस बस और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। स्पष्टीकरण, संपादक जी ने रजनी से कहा बस बस आपकी सारी तकलीफ और गुस्सा समझ गया। कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग। प्रश्न, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? वेरी इंटर टेस्टिंग सब्जेक्ट। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरा भाग पूरी तरह अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में 2 भाषाओं कोड का प्रयोग करते हैं, यह कोड मिक्सिंग कहलाता है। जबकि एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का प्रयोग करना कोड स्विचिंग कहलाता है। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के 3-3 उदाहरण चुनिए व हिंदी भाषा में रूपांतरित कीजिए। रजनी जो आरओ है हिंदी कक्षा 11वीं का, उसके बारे में मैं जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बतलाया हूँ, समझाया हूँ, और पीडीएफ में और भी क्वेश्चन के आंसर हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।